जो काम संपूर्ण विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया, जो काम उत्तर भारत में समस्त राजनीतिक दल मिलकर नहीं कर पाए, वो काम युवाओं ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को शायद कभी उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन युवाओं का इतना मैसिव प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पर उनका इतना जबरदस्त आउटरेज सामने आएगा और प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा, डिजिटली भी और फिजिकली भी। ये पहली बार हुआ है कि शारीरिक तौर पर भी और सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं ने जबरदस्त तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कराया है। किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पर। किस मुद्दे पर? नौकरी नहीं मिल रही, इस मुद्दे पर। अब प्रश्न यह है कि क्या सांप्रदायिकता और आरक्षण के नाम पर जहर नहीं भरा गया होता तो रोजगार का समाधान हो जाता? अच्छा प्रश्न है। यह निर्भर करता है कि आप रोजगार के सवाल को कैसे देखते हैं। वो सवाल अपनी परीक्षा, अपना रिजल्ट, अपनी भर्ती, अपनी ज्वाइनिंग तो नहीं है। यह इतना आसान प्रश्न नहीं है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको इसी तरह के सांचे में ढाल दिया। थोड़ी युवाओं की भी सुन लेते हैं, वाकई बहुत परेशान हो रहे हैं। और कारण क्या है कि इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के साथ इस तरह का होता है? 69,000 टीचरों की भर्ती में भयावह भ्रष्टाचार हुआ है। जो मुख्य आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करता है, एसटीएफ पीछे से मदद करती हो, उसको जमानत खड़े खड़े मिल जाती है। कैसे? खड़े खड़े जमानत। वो भी सरेंडर करता है अपनी शर्तों पे। एक और आरोपी है चंद्रमा यादव, वो अब तक गायब है। 3 आईपीएस जो सच्ची जांच कर रहे थे वो लाइन हाजिर कर दिए गए। एक एडिशनल एसपी एसटीएफ का जांच कर रहा है और उसने जांच को बर्फ की सिल्ली में लगा दिया है। मुख्य आरोपी जमानत पर है। तो ये जो नाराजगी है, कारण यही है। मैं बताना इसलिए ये चाहता था, ये जो बच्चे नाराज है ना, ये जो आपको दृश्य दिख रहे हैं, ये नौकरी न पाने की वजह से नाराज लोग हैं। नौकरियों में जो धांधलियां हुई हैं उनसे परेशान और बेहाल युवा हैं। ये आक्रोश यूं ही नहीं फूटा। सारे लोकतंत्र में जनता के कल्याण के लिए बनी है, ना कि उनकी आवाज को कुचलने के लिए लाठियों के दम पर। जो पुलिस वाले आज लाठियां बरसा रहे थे समाजवादी, कांग्रेस और तमाम बेरोजगार युवाओं पर, संगठनों पर, उनको ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2016 से 3,307 पदों पर दरोगा की भर्ती हुई है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। वही कल दरोगा बनेंगे जिनको आप मार रहे हो। ये बेरोजगार युवा हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा दोस्त है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, अपने घरों के हैं, जो तैयारी करते हैं। कितने बीजेपी नेताओं के घरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं। उनके साथ ये होगा तो उनको दर्द नहीं होगा? वो भी तो माँ बाप हैं। बस एक बात ये है कि भाई इनके सत्ता में है, ये सही बात को भी नहीं स्वीकार करेंगे। बोले कि झूठ से सच से जिससे भी चाहे यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें और बात मन की कहें या वतन की कहें, और झूठ बोलते समय बस आप अपनी आवाज भारी रखें। हमको पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा सुनके, एकदम पड़पड़ा के लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा सर? अरे क्या कीजिएगा, जब पेट में भूख और आंख में बेरोजगारी का जलालत हो ना, तो मुंह से भजन नहीं गाली ही निकलता है। अरे जिस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, जो आपकी लंबी गाड़ी और बढ़ी हुई दाढ़ी के सामने जो नतमस्तक हो गया, उसको आप पकौड़ा खिलौना बेचने का उससे भद्दा मजाक करते हैं आप? अरे आप तो गुजराती हैं ना सर, आपको तो पता होगा कि इस मुल्क में एक रेरी लगाने के लिए पुलिस वाले को कितना चंदा और हफ्ता देना पड़ता है। और तब आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। लेकिन इस वक्त रेलवे और SSC की जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं, जो नहीं हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उनमें देरी क्यों हुई? वो क्यों नहीं तुरंत बिजली की गति से हो सकती? सब कुछ धीमी गति से हो रहा है। सिर्फ परीक्षा और भर्ती का सवाल नहीं, कई परीक्षाएं तो घोषणा के बाद लापता हो गई। रोजगार का स्वरूप ही बदल गया है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना भविष्य की सुरक्षा। सांसद विधायक के पास पेंशन है, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, आपके लिए है। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जवान बेटा जब बेरोजगार होता है, निराश होता है घर में, तो माँ एक ऐसी होती है जो हरदम उसका जेब चेक करती है कि कहीं जेब में सल्फास की गोली तो नहीं रखे है, कहीं वो बच्चा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है।
सो सर, उन माँ बाप को बड़ा डर लगा रहता है। सो सर, और यहाँ सरकारें गाल बजाने पीछे नहीं। और जब बात करोगे तो सपने दिखाएंगे, देशभक्ति की बातें होंगी, नाकामी पर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रोजगार के सवाल पर रेटिंग भी नहीं आती है, व्यूज भी नहीं मिलते हैं। नौजवानों को पता होगा कि लोग इन दिनों क्या देख रहे हैं, उनके घरों में क्या देखा जा रहा है, क्या उन्होंने अपने देखने का तरीका बदल लिया है। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसका जवाब युवा ही दे तो बेहतर है। 3 महीने से जिस देश के चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कवरेज हो रहा है, उस देश में रोजगार मुद्दा नहीं हो सकता है। भाई पत्रकारों को सही बात कहना चाहिए, हम पत्रकार हैं पागल हैं जो दिल की बात कहते हैं, वरना तो लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते, जो कसम खाते हैं संविधान की वो भी सच नहीं बोलते। आज बेरोजगारों को लाठियों से पीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या इसी दिन के लिए सरकार को चुना गया था? तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुमको इस दिन के लिए? वैसे युवाओं ने कोशिश अच्छी की, कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड व्रेंड कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। 5 अगस्त को नए भारत का उदय हो चुका है। सरकारी भर्ती की परीक्षा अपने आप में यातना शिविर है, जहां हमारे नौजवानों के सपनों की हत्या होती है। यह सही है कि रोजगार कभी राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है, अपवाद को छोड़कर कह रहा हूं, लेकिन इस वजह से इन जवानों के साथ ऐसा हो ये ठीक भी नहीं। तो इस मैसिव प्रोटेस्ट जो डिजिटल मीडिया और डायरेक्ट हुआ, इससे बीजेपी ने क्या सीखा, इससे राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या सीखा, और इससे केंद्र सरकार ने क्या सबक लिया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन शारीरिक और सोशल दोनों तौर पर भारी प्रदर्शन करना, ये एक अलार्मिंग बेल है। जो समझ जाए वो होशियार, जो ना समझे उसको नुकसान। अरे रचाइए ढोंग, दिखाइए सपना। अरे आपसे पहले भी आया था वो तुगलक, जिसका सपना और नियत बहुत साफ था, लेकिन जमीन पर आते ही ना टै बोल जाता था। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हमको गाली देगा, एंटी नेशनल बोलेगा, देशद्रोही बोलेगा। बे बोलो, अगर साला अपने ही देश में, अपने आजाद मुल्क में, अपने प्रतिभा के दम पर अपने ही सरकार से सरकारी नौकरी मांगना गुनाह हो जाता है, एग्जाम का डेट का हिसाब मांगना गुनाह हो जाता है, तो हम हैं गुनहगार, और हम ऐसा गुनाह एक नहीं हजार बार करेंगे इस देश के युवाओं के लिए। तुम रहो अपने नेता का चाटने में और इस देश को महान बनाने में, हम इन युवाओं के साथ खड़े और युवाओं के साथ रहें।